My loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, aaj ki reading ka topic hai, who are you meant to be with, okay? Kaun aapke liye bana hai, kiske saath aapne judna hi judna hai, and who is that person? Okay, you need to choose your pile first of all, pile number 1 and pile number 2. ये हैं आपकी birth dates, okay, your date of births. So, अपना pile ऐसे choose कर सकते हैं, या फिर अगर आप नए pile को choose करना चाहते हैं intuitively, तो definitely group number 1 you have got a blue feather, and group number 2 you have got green feather, okay, so whichever is attracting you most, आप उसको choose कर सकते हैं. Well, I will see you on your reading and आपके time stamps जो हैं वो description box में हैं and I will see you there. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने पहला ऑप्शन चूज़ किया, लेट्स सी माय लव व्हाट कम्स अप फॉर यू. ओके, क्या निकल करके आता है आपके लिए, लेट्स सी व्हाट इज़ देयर. एंड यू आर हैविंग हियर सेवन ऑफ एयर. ओके, सेवन ऑफ एयर एंड आल्सो यू गेटिंग अवेकनिंग. इंटरेस्टिंग. Who are you meant to be with? Okay. The Knight of Air. And also you're having Six of Fire. Okay, group 1. लिटरली यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है, दैट इज़ ह्यूज एयर साइन एनर्जी, वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी एनर्जी, और जो कि यहाँ पे है इंडिकेट करती है कि यू आर इन ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन विद दिस वेरी पर्सन. ठीक है, या तो आप इसको जानते हैं या फिर आप ने इसको आप इसे ऑलरेडी बातचीत करते हैं, या फिर even if they are not your relative or maybe friends or like your boyfriend, still आप इसको कहीं ना कहीं जानते हैं इस person को. ठीक है, आपने इनसे बात करी भी है life में. ठीक है, और ये person भी आपको जानते हैं. मे बी आप दोनों इस reference से एक दूसरे को नहीं जानते हो कि finally आप दोनों की marriage हो जाएगी, but there is a lot of vibe, a lot of this kind of thing कि जहाँ आप दोनों एक दूसरे को लिए बने हैं और आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को. ओके, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सिक्स ऑफ फायर है एंड दिस पर्सन, ये इंसान अवेकनिंग की एनर्जी में है अभी. हो सकता है इसने अभी को करियर में अपनी को नया यू नो कुछ चूज़ किया हो. ठीक है, और उस चीज़ को लेकर के ये पर्सन काफ़ी हद तक सीरियस है, बड़ा यू नो बड़ा एम्बिशियस पर्सन है. दे कुड बी फायर साइन एज वेल. ये फायर और एयर साइन का कम्बिनेशन भी हो सकता है कपल. ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फिजिबल इसलिए होता है क्योंकि फायर साइन एंड एयर साइन बोथ आर कंपैटिबल टू ईच अदर इन अ सेंस. वी आर फायर साइन वाले बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं. ठीक है, एयर साइन वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं. ठीक है, दे आर नेवर लाइक वो जो होते हैं नैरो माइंडेड और शक्की, नो देर ऑलवेज इन देयर ओन वर्ल्ड. ठीक है, तो जो कि फायर साइन वालों के लिए बहुत इजी हो जाती है चीज़ें, बहुत इजी हो जाती है लाइफ. सो यू सी मे बी सन साइंस ना हो, बट मे बी यू नो मून साइंस और मे बी राइजिंग साइन, एवरीथिंग इज़ लिटरली हेल्पिंग यू इन दिस कॉन्स्टिलेशन. सो ग्रुप नंबर 1 थिंग्स आर वेरी नाइस फॉर यू, सपोर्टिव ये भी हैं और आप भी होगे. ठीक है, ऑल्सो देर इज़ अ लवर्स एनर्जी जो कि रिप्रेजेंट समबडी हु इज़ वेरी वेरी केयरिंग. ठीक है, लवर्स एनर्जी इज केयरिंग, लवर्स एनर्जी इज़
when somebody loves your personality, when somebody loves your company, ठीक है ना, ये person बहुत ज़्यादा आपके लिए तड़पता होगा लाइफ में, ठीक है, आपकी मोहब्बत के लिए बहुत तड़पा भी होगा, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज ह्यूज साइन है फॉर लव मैरिज, ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आप, यानी कि आप इनके सीक्रेट क्रश हों, ठीक है, या ये आपके सीक्रेट क्रश भी हो सकते हैं. समथिंग इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, और ये सीन बहुत ही यू नो अट्रैक्टिव है. ऑल्सो देयर इज़ टू ऑफ फायर एनर्जी, यहाँ पर है जी न्यू पार्टनरशिप, यहाँ पर है एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ओके, और ये जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है दैट रिलेट्स टू यू, दैट रिलेट्स टू अ न्यू स्टेप अप इन योर लाइफ, ठीक है, आपकी लाइफ जो है वो स्टेप अप करने वाली है, दैट इज़ अ न्यू वे, दैट इज़ अ न्यू थिंग. टू अफेयर हो सकता है, एज आई टोल्ड यू, हो सकता है अभी आपको इनका नहीं पता, मतलब एज हस्बैंड नहीं पता, वैसे आप इनको जानते हैं, लेकिन ये जो क्लैरिटी है मेंटल, ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है, बहुत जल्द, लेकिन अभी आप क्लियर नहीं हो, हु इज़ दिस पर्सन, एब्सोल्युटली नॉट क्लियर एट ऑल, ठीक है. नाइन ऑफ कार्ड, देखो ये है आपकी विश फुलफिलमेंट, जैसा आपने पर्सन चाहा था ये वही है, ठीक है, लेकिन आई नो ये हाइडिंग है, दे आर हाइडिंग, या मे बी अगर आप इसके साथ कॉन्टैक्ट में, रिलेशनशिप में भी हो ना, स्टिल यू डू नॉट नो द रियलिटी, स्टिल यू डू नॉट नो कि ये बंदा क्या चाहता है मेरे से, या हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन फ्यूचर है, बहुत ही अनसर्टन, मतलब के माइंड में ये है कि बहुत ही अनसर्टन है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है, फॉर अ फ्यू केसेस, दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम सम अदर कंट्री, यू नेवर नो, ओके, ये किसी और कंट्री से हो सकते हैं, ये किसी और सिटी से हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको अपने साथ जो है वो लेकर जाएंगे एट एवरी कॉस्ट. आई कैन ऑल्सो सी फॉरेन सेटलमेंट, आई कैन ऑल्सो सी फॉरेन, ये हो सकता है फॉरेन से हो, बाहर की कंट्री में रहते हो या वहाँ काम करते हो, ठीक है ना. सेवन ऑफ कप्स, देखो एज़ यूजुअल जैसे यू नो फैमिली में दिखाए जाते हैं रिश्ते वगैरह, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसको रिश्ते दिखाए गए हैं होंगे फैमिली में, मॉम ने, डैड ने, या और भी लोग होते हैं, रिलेटिव्स पीछे पड़े हुए होते हैं, शादी करवानी है इसकी, ठीक है ना, तो इनके पास ऑप्शंस हैं, इन्होंने और चीज़ें देखी हैं, इनके माइंड में और लोग भी हैं, ठीक है, लेकिन रिलीज़, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता द टाइम दे विल सी यू, वो तमाम लोगों को छोड़ देंगे जैसे ही उनको पता लगा कि यू आर हियर एंड यू नो यू वांट हिम. एट ऑफ यार गाइस, ये इंसान आपके यहाँ ट्रैप में आ जाएगा, ठीक है, सारे लोग यही बोलेंगे कि इसने इसको ट्रैप किया है, लेकिन द थिंग इज़ इट्स जस्ट देयर ओन डिसीजन, ठीक है, या आप देख लेना आपके ससुराल में या आपके मायके में या आपके रिलेटिव में बात मशहूर हो जानी है कि इसने इसको ट्रैप किया है, मतलब आपने उनको ट्रैप किया है, ठीक है, और ये चीज़ आपको हर्ट भी करेगी, लेकिन आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके जो स्पाउस हैं वो हमेशा आपके तरफ ही होंगे, ठीक है, दे आर ऑलवेज ऑलवेज ऑन योर साइड एंड दे डोंट केयर एट ऑल, उन्हें भी कोई परवाह नहीं है. टेन ऑफ फायर, बहुत ही ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और शादी के बाद जो आप में की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, ठीक है जी. स्ट्रेंथ एनर्जी है, स्ट्रेंथ लाइक लिटरली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इवन फिजिकली मेंटली ऑन एवरी लेवल दे आर स्ट्रॉन्ग, एंड ऑल्सो फॉर दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक फॉरगिविंग एज वेल, ठीक है ना, लाइफ को लेकर के यह पर्सन कभी भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ है. अगर आपसे कभी कुछ गलती हो भी जाती है तो दैट पर्सन इज़ लाइक ओके इट्स ओके, हो गया तो हो गया, जस्टिस, बहुत ही ज़्यादा ये जस्टिस ओरिएंटेड होगा, ठीक है. और पाइल नंबर वन, आपको लाइफ में मिलेगा भी जस्टिस, ये बता दूँ मैं आपको, यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस, आप जैसे डिज़र्व करते हो यूनिवर्स आपको वैसा ही बंदा या बंदी ला करके देंगे, नो मैटर व्हाट.
ठीक है, देखो ये बड़ा हार्ड वर्किंग है क्योंकि यहाँ पे अर्थ एनर्जी पहले कार्ड में आई है, अब वो भी एट ऑफ अर्थ, लेकिन लिटरली ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक तो एजुकेटेड है, ठीक है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं, वेरी लर्न्ड पर्सन, ठीक है, और स्किलफुल हैं ये, अपनी उसमें बहुत मास्टर हैं जो भी ये करते हैं, ठीक है, नाइन ऑफ अर्थ अगेन, और इन्हीं के वर्क ही है, इनके स्किल्स ही हैं जो इनको लाइफ में एक अच्छा सक्सेसफुल करियर दिलाएंगी, ठीक है, और ये पर्सन लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा लेकिन आगे जाके, लेकिन इसके लाइफ में स्ट्रगल्स होंगी। इसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, दैट इज़ देयर लाइफ। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स ओरेकल। ऑलराइट, सो लेट्स सी, सो सबसे पहले है जी आई एम सील्ड, लिटरली दिस थिंग इज अबाउट यू बीइंग इन स्ट्रांग कनेक्शन विद दिस वेरी पर्सन, ठीक है, ये पर्सन वो होंगे कि जिनसे आपकी एक ही बार शादी होगी ऑफ कोर्स, और ये एंड टाइम तक, मतलब ओल्ड टाइम्स तक दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी स्टेइंग विद यू लाइक फॉर एवर, ठीक है, कभी भी ये नहीं है कि मे बी आपकी यू नो ऐसा ना हो कि डिवोर्स हो जाए या ये आपको थर्ड पार्टी में कभी डाल देना, इसने एक बार ही आपसे शादी कर ली ना, देन फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है, देखो आई विल प्रोटेक्ट, ठीक है, कितना प्रोटेक्टिव है ये, दे नो कि यू डिज़र्व प्रोटेक्शन, दे नो कि यू डिज़र्व एवरी थिंग कि जो आप लाइफ में चाहते हो, ओके ओके, दिस इज़ आल्सो फॉर आई विल फॉरगिविंग है, ठीक है गाइस, पाइल नंबर वन, आप एक ऐसे इंसान के लिए बने हैं कि जो आपको दे वो जो आप डिज़र्व करते हो, यू सी, एक फॉरगिविंग और बहुत ही हम्बल और बहुत ही पोलाइट इंसान आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, आई थिंक आप ये स्ट्रिक और गुस्से वाले और इस तरह बंदे के साथ आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते, बंदा हो या बंदी, ठीक है, क्योंकि आप फाइटिंग से बहुत दूर भागते हो, आपको एक ऐसा इंसान चाहिए कि जो कॉम्प्रोमाइज़ करे, फॉरगिविंग हो, हम्बल हो, स्वीट हो, ठीक है, so this is what I know about your person, another thing is with I am crown of creation you are their queen, ये है queen vibe, ये है queen energy, ठीक है, दूसरा है I will inspire, definitely ये person काफ़ी ज़्यादा inspiring होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको life में inspiration भी देंगे, और ये person काफ़ी ज़्यादा literally आपके लिए भी motivation होगा, ठीक है, a big source of motivation for you, so let's see more, who are you meant to be with, quest, ये पढ़ा ना मैंने, जिससे मैंने बोला है बहुत ज़्यादा अपने करियर में आगे हैं, और आई बिलीव इसने बहुत कुछ करियर में ऑलरेडी अचीव कर भी लिया होगा, द टाइम दे विल मीट यू, ठीक है, तो यह है लॉन्ग सर्च, ये है लॉन्ग सर्च ऑफ गोल्स, ठीक है, तो ये इंसान है बड़ा, ये ड्रीम चेजर नहीं लोग होते जो, दैट इज़ द थिंग, और ये आपके लिए इसलिए बेहतर है कि ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी देयर बेटर हाफ, और आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके स्पाउस फाइनेंशियली और इमोशनली इंडिपेंडेंट हों, ठीक है, तो ये चीज़ आपके ऑब्वियसली हक में जाती है कि यू आर देयर वाइफ, ठीक है ना, फिर सैड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पर्सन सीक्रेटिव है, इनकी पर्सनालिटी में एक एलिमेंट है कि सीक्रेटिव है, बहुत सब कुछ नहीं बताते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई सीक्रेटिव है तो इसका मतलब है कि वो ज़रूरी लाइक वो चीट ही करेगा, नो दे आर नॉट अ चीटर, बट दिस इज़ अ पर्सन कि जो सब कुछ नहीं बताते, लिटरली शायद आप परेशान ना हो जाए या जो भी अगर कुछ बुरा है तो, अनदर थिंग इज़ फॉलिंग फॉर द डेस्टिनी, दिस डेस्टिनी इज़ योर्स, ठीक है, ये आपकी किस्मत है, आपका भाग्य है, आप दोनों का भाग्य जुड़ा है एक दूसरे के साथ, ठीक है, परसेवरेंस, देखा मैंने बोला ये गिव अप नहीं करने वाला, बड़ा स्ट्रांग
कैरेक्टर क्या है ये मुझे ऐसे समझ आ रही है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड द रिन्यूअल ऑफ कोर्स, रिन्यूअल इज कमिंग, न्यू लव इज़ कमिंग एंड जस्ट गेट रेडी फॉर अ न्यू अप्रोच, ठीक है ना। पायल नंबर वन देखो, ठीक है जो भी हुआ पीछे लाइफ में, या आपका हो सकता है ये ड्रीम, जो आपको ये ड्रीम मैन मिल रहा है इसको मिलने में देर लग जाए, कुछ भी हो सकता है, एनी थिंग इज़ पॉसिबल हियर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल छोड़ दो, या इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मिलना नहीं है, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि भाई मुझे पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना है, क्या इसका सीन है, अदरवाइज़ बहरहाल ये पर्सन हो सकता है, आई थिंक कुछ फॉरेन वाइब्स हैं इसकी, सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि कौन सी फॉरेन कंट्रीज से ये हो सकते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यूएई, नॉर्थ अमेरिका, अगेन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस, के साउथ कोरिया, और है यहाँ पर फाइनली देयर इज इंडिया, ओके। सो दीज कैन बी द प्रोमिनेंट कंट्रीज फ्रॉम वेयर दिस पर्सन कुड बी, ऑलराइट। So let's move towards other things about your person and see के इनकी और क्या whereabouts है। I just wanna check out their profession. Profession में है इनके maybe something to do with police, transportation, कुछ आयरन से related भी काम इनका हो सकता है, maybe इनका अपना business हो आयरन फर्नीचर मेकिंग का, ये वो। कार्मिक रिलेशनशिप, नहीं इनके करियर को हो सकता काफ़ी नुकसान पहुंचाया है पीछे, अथॉरिटी फिगर, ठीक है ना, काफ़ी अथॉरिटेटिव ये पर्सन है, ये जो मुझे पहले ही आपको मैंने बताया है रीडिंग के शुरू में कि दे आर क्वाइट अथॉरिटेटिव। कम्युनल लिविंग, ठीक है, सो इनको मैंने वैसे ही ओल्ड सोल है, दे आर ओल्ड सोल, आई नो दैट, और ये ओल्ड सोल ऐसी है कि लिटरली इसको इतनी ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं पसंद हैं, इनको ज़्यादातर यू नो ओल्ड स्टाइल, ओल्ड फैशन, ओल्ड मनी स्टाइल इनका हो सकता है, ओल्ड मनी स्टाइल, अगर आप नेट पे सर्च करो आपको मिल जाएगा व्हाट इज़ द ओल्ड मनी स्टाइल, सो दिस इज़ हाउ दे आर, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स एंड सी कि यू नो मैजिक बाउल से क्या निकलता है आपके पर्सन की। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर टू, सॉरी पाइल नंबर वन, दिस इज़ डेट ऑफ बर्थ इनकी हो सकती है 15 से 21 के बीच में, 911, यूनिवर्स इज इन हरी टू ब्लेस यू यू बट यू वांट, डील्स इन क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी में डील करते हो सकते हैं, चॉकलेट्स, सब में भी चॉकलेट लवर हूँ, या इन्होंने पहली बार आपको बहुत सारी चॉकलेट्स दी हों, एक्वेरियस, बोल्ड गाय, वेरी बोल्ड, वेरी ब्रेव, ओके, आई लव यू, दिस इज़ लव, दिस इज़ मर्क्यूरी रिप्रेजेंटिंग कम्युनिकेशन कमिंग टूवर्ड्स यू, और ये कि ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। मैकेनिक्स इनका प्रोफेशन हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिक्स, या किसी चीज़ की यू नो दे डील विद जैसे मशीन्स होती हैं, इंजन्स होते हैं, इस तरह कुछ इनकी डिग्री हो सकती है या काम करते हो सकते हैं। यंगेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा छोटे हैं, ब्लैक कार, ओके जी, वेरी सक्सेसफुल, बी माइन, आई कांट वेट एनी मोर, सजिटेरियस, एंड ऑल्सो देर इज डांसिंग या म्यूजिक क्लास, ठीक है। पाइसीज विद वाटर साइन,
आई सी इज हाई स्कूल, सो हाई स्कूल में हो सकते हैं, मे बी आपके हाई स्कूल क्रश हो। फेम, फेमस तो है, आपके पास एक सौ वर्ड आया था, अगर आपको याद हो, लिटरली इट रिप्रेजेंट्स के समबडी वेरी वेरी फेमस, ठीक है, इन द फ्यूचर। कैप्रिकॉर्न एंड डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 8 to 14, सो ये इनकी वेयर अबाउट्स है। आई जस्ट वांट टू चेक आउट द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। ओके, ग्रुप नंबर वन, यू आर मेंट टू बी विद। ऑलराइट, सबसे पहले हम शुरू करें यहाँ पर डब्ल्यू से, डब्ल्यू के एम जे एल अगेन एम, दिस इज एन पी एच ओ बी डी जी, इसके अलावा है ए आपके पास डी एन टी आई ई एंड आर, कुछ रह तो नहीं गया, नो। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर वन। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय। Hello, welcome group number two. If you choose second option, my love, let's see what comes up. Kya hai? Who is meant to be yours? Who are you meant to be with? Okay, so group number two, you are getting ego card. Okay, and page of water. Okay, also this is chariot energy, six of cups, yeah, six of water. Well, ये person, ये बहुत ज़्यादा water sign की energy आ रही है, Pisces, Cancer, Scorpio, especially Cancer energy. Okay, why? Because ये person बहुत ज़्यादा emotional बंदा है, ठीक है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, ठीक है, इनका दिल बहुत छोटा सा है, लिटरली बहुत छोटा सा है, और ज़रा सी बात पर इनको बुरा लग जाता है, दिस इज़ देयर थिंग, ठीक है। सो ग्रुप नंबर टू, यू वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल, ये पर्सन इमोशनल है, कुछ केसेस में थोड़ा ज़्यादा जल्दी रो भी पड़ते हैं, यू नेवर नो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ईगो का कार्ड है जो कि एक रिप्रेजेंट करता है देयर इकोइस्टिक नेचर, लेकिन ये ईगो इस सेंस में नहीं है कि नेगेटिव सेंस में, बिकॉज बाकी कार्ड्स लिटरली शो करते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ईगो इस सेंस में यूज़ होगी कि जहाँ पे यह पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस और लिटरली पोसेसिव हो सकता है आपको लेकर के। एक तो वैसे ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव जिसे बोलते हैं ना, सेंसिटिव है, ठीक है ना, और लिटरली ये हर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इस कनेक्शन में जो निशानियां हैं, साइंस हैं कि दिस इज़ द वन, ये पर्सन बहुत जल्द आपसे कनेक्शन, रिश्ता जोड़ेगा, ठीक है। दे डोंट केयर कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता, क्योंकि यहाँ सिक्स ऑफ कप्स है, लिटरली दिस इज़ अ मेमोरीज फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है। या तो ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं जो कि ठीक होके वापस आए हैं, नाउ दे वांट योर गैन, और अगर आपका कोई एक्स पार्टनर नहीं है या आप अपने एक्स पार्टनर को दोबारा लाइफ में नहीं चाहते, इन बोथ केसेस ये पर्सन आपकी प्रीवियस लाइफ, ठीक है, आपका री इनकारनेशन जो भी हुआ है प्रीवियस लाइफ में, ये पर्सन आपके पार्टनर हो सकते हैं। बहरहाल जो भी है, ये पर्सन बहुत देर समय से आपको जानता है,
और आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद, आपके साथ रिश्ता जोड़ने के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब है इस चीज़ की, हाई एनर्जी है इस चीज़ की कि यह पर्सन आपके साथ ही मतलब उनको समझ आ जाएगी कि यू आर द वन, उनकी सोल आपको पहचानेगी। दिस इज़ यू नो आईज आर द सोल विंडो टू सोल, तो जब वो आपकी आंखों में देखेंगे दे वुड गेट नो कि यू आर द वन। ठीक है, सो फोर ऑफ अर्थ की एनर्जी है, लिटरली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी क्यूरियस पर्सन। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यह पर्सन बहुत रिच है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा देने पे बिलीव करता है, लाइक पैसे देने पे, मदद करने पे, किसी की कोई होमलेस है, कोई हेल्पलेस है, उसको पैसे जाके देने हैं। और ये क्यों देते हैं, लिटरली ऑब्वियसली दे आर ब्लेस्ड देमसेल्व्स, वो खुद उनके पास है तो जिसमें से दूसरों को देते हैं ना। सो दिस पर्सन इज सर्व सर्व फाइनेंशियली वेल ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अनदर थिंग मैं देख रही हूँ एस अफेयर, देखो ये न्यू कम्युनिकेशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इवन इफ इट इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट, ठीक है, इवन इफ इट इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट, स्टिल दिस पर्सन इज़ अ न्यू वन इन योर लाइफ। ठीक है, आप इसको अभी मतलब इस लाइफ में आई बिलीव नहीं जानते हैं, और अगर जानते होंगे भी तो ये पर्सन बिल्कुल चेंज होकर क्या है, बिल्कुल चेंज स्ट्रेंथ, ठीक है, और अब ये पर्सन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ आपके लाइफ में आया है। आई डोंट नो प्रीवियसली क्या सिचुएशन थी, मे बी ये पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का नहीं था अगर ये आपका एक्स है तो, लेकिन अभी ये जिस एनर्जी में आया है, दिस एनर्जी इज टू 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 द पॉइंट, ठीक है ना, मून एनर्जी के साथ अगैन साइकिक इनसाइट्स, ये साइकिक हैं, इनसे झूठ बोलना ईजी नहीं है, झूठ पकड़ लेते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ये भी हो सकता है कि ये स्पिरिचुअल हो, ठीक है, दे कुड बी स्पिरिचुअल एज वेल, जस्टिस ओरिएंटेड, ऑनेस्ट है। देखो आपके वो रिश्ते में ना, रिलेशनशिप में कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, ये बात आप मेरी याद रखना, ठीक है, और जब आप इनकी से शादी होगी ना, तो जब आपको पता चलेगा कि क्यों ये पर्सन क्यों मुझे मिला, वाई दिस पर्सन, ठीक है, बिकॉज ही वॉज मेंट टू बी योर्स। अगैन आई हैव अ टू ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर आकर ना जब सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं कि सोलमेट जब कोई होता है आपका, आपके पास सिक्स ऑफ वाटर भी आया था, ये भी सोलमेट, और यहाँ पर ये ऑफ कोर्स दिस इज़ द डबल कन्फर्मेशन कि दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है, और ये पॉजिटिव ग्रो करेगा रिलेशनशिप। टू ऑफ कप्स वैसे भी डीप लव को जाहिर करता है, मैरिज को, कम्युनिकेशन को, और ये इतना ऐसा रिलेशनशिप है कि जो दिन ब दिन क्लोज होगा, ठीक है ना, और ये पर्सन आप ठहरो, लेट मी चेक आउट, आई थिंक किसी के माइंड में क्वेश्चन है कि क्या ये पर्सन मुझे मिल चुका हुआ है कि नहीं, पेज ऑफ अर्थ क्लैरिफाइंग दिस विद पेज ऑफ एयर, देखो ये पर्सन आपकी नज़र में है लेकिन आप कंफर्म नहीं हो, या आप क्यूरियस हो उसको मज़ीद जानने के लिए, क्या ये भी वही सोचता है मेरे बारे में जो मैं सोचती हूँ, ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आप इसको नज़र में हो, आप इसको जानते हो, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप जिससे शादी करना चाहते हैं ये वही है, योर विश फुलफिलमेंट, हाई चांस, ठीक है, और ड्रीमर, लिटरली दिस पर्सन इज़ अ फुल ऑफ फेथ, इसका फेथ बड़ा स्ट्रांग है, जैसे मैंने पहले बताया इंट्यूटिव है, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटीज़ भी इनके पास अनएक्सपेक्टेडली आती हैं, और दिस इज़ अबंडेंस, ऑफ कोर्स अबंडेंट है, और दूसरी बात ये कि हो सकता है इसके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो सकती हैं, इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आई थिंक दे कलेक्टिवली वर्क, इकट्ठे वो काम करते हैं कलेक्टिवली, और फिर आप यू नो पैसे बनाते हैं,
कैन सी दैट, ठीक है ना. टू ऑफ अर्थ की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बिजी लोग हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है ना. टू ऑफ एयर अगैन, टू टू की एनर्जी आई है. डेफिनेटली ये लोग ऐसे हैं, इनके फैमिली में भी इनके पास फजूल बातों के लिए समय नहीं होता है, ठीक है. बिल्कुल भी इनके पास फजूल बातों के लिए समय नहीं होता है. और ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है और बहुत बिजी रहते हैं ये अपने कामों में, ठीक है. सो एज़ फार एज द प्रोफेशन इज़ कंसर्न, टू ऑफ फायर, ये किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हो सकते हैं, ठीक है. या कोई नया प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया, बिजनेस मैन लग रहे हैं मुझे, रिलीज, या इन्होंने अभी अभी कोई जॉब छोड़ी है और कोई नई बिजनेस स्टार्ट की है, ये भी हो सकता है. नाइट ऑफ कप्स, देखो ये पर्सन छोटे हैं अपनी फैमिली में, आई बिलीव, ठीक है. ऑल एंड ऑल नहीं है ये अपनी फैमिली में, इनकी फैमिली के और मेम्बर्स भी हैं जो काम करते हैं, दैट टुगेदर वर्क, ठीक है, टू मेक थिंग्स हैपन. और ये भी उन्हीं का पार्ट ऑफ कोर्स, अपनी फैमिली का, ये सब लोग मिलके कमाते हैं, ठीक है. और ये छोटे हैं, ये इतने एक्सपीरियंस होल्डर भी नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ही हो जाएंगे. सो लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल व्हाट्स द एनर्जी हियर. ऑलराइट, लेट्स सी फ्रॉम ओरेकल व्हाट इज देयर फॉर यू लव. ओके, ग्रुप नंबर 2. सो दिस इज़ आई फील सेंसुअल, लिटरली ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, ठीक है. आपके बाल, आपकी ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग दिस पर्सन इज़ फॉलिंग फॉर, ओके. मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे एज इफ ये इंसान आपकी आईज़ स्पेशली जो है ना, स्पेशली जब आप मेकअप करते हो, आईलाइनर, काजल, ये सब चीज़ें लगाते हैं, लिटरली इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आती होगी आपके अंदर, ओके. एंड ऑल्सो फॉर दिस कार्ड आई कैन सी फिश साइंस, सो मे बी दिस पर्सन कुड बी, दे कुड बी पाइसेस, ओके. ये वाटर साइन हो सकते हैं, दैट्स वाई मे बी दिस पर्सन इज़ सो इमोशनल, ठीक है, सेंसिटिव. और लाजमी नहीं है कि ये पाइसेस इनका सन साइन हो, इट कुड बी मून साइन, इट कुड बी वीनस, और इवन राइजिंग साइन एज वेल. या पाइसेस की बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे इन्फ्लुएंस लग रहा है इनके चार्ट में, ओके. सो बहुत ज़्यादा इंसान फेमिनिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है. इफ़ यू आर वियरिंग फेमिनिन क्लोथ्स, ठीक है ना, यू नो, पैंट्स एंड जीन्स के बजाय इफ़ यू आर वियरिंग लाइक फ्रॉक्स, स्कर्ट्स या साड़ी, कुर्ता, इस तरह की चीज़, थोड़ी फेमिनिटी, थोड़ी ज्वेलरी, यू सी, तो ये चीज़ें इसको ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट जो है वो करती होंगी. I feel nurtured. They feel as if कि you are caring. ठीक है, आप बहुत caring हो. और obviously ये भी आपकी बहुत ज़्यादा care करेंगे, caring इंसान है, ठीक है. एक बात जो है ना होती है ऐसे लोगों में जो sensitive होते हैं, कि उनको जैसे ख़ुद को नहीं ना पसंद कि कोई उनको hurt करे या वो sensitive है, इसी तरह से वो दूसरों का भी सोचते हैं कि मे बी उनको भी अच्छा ना लगता हो या वो भी हर्ट होते हैं, ओके. सो दिस इज़ द रीज़न हियर ऑल्सो फॉर दिस आई फील ग्रेटफुल. ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी है, ठीक है, ग्रेटफुल टू हैव यू, ग्रेटफुल कि आप जैसा पार्टनर उसको मिला. सो ये पर्सन मुझे बहुत खुश खुश लग रहे हैं वाकई में ना, जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता आपको पाकर, तो ये इनकी एनर्जी है, खुश खुश डेस्टिनी, ठीक है. तो ऑब्वियसली दिस इज़ डेस्टिनी, दिस इज़ योर डेस्टिनी, दिस इज़ देयर डेस्टिनी, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा रहे हैं. ऑल्सो फॉर दिस इज़ आई एम लाइट, ठीक है. सो लाइट इज़ रिप्रेजेंटिंग यहाँ पर मॉर्निंग, यहाँ पर लाइट रिप्रेजेंट करती है क्या, मॉर्निंग आफ्टर नाइट, ठीक है. तो अगर आपके लाइफ में या उनके लाइफ में कोई डार्कनेस चल रही है, तो ऑब्वियसली ये शादी एक लाइट की तरह से आपके लाइफ में आएगी, आपके जीवन में आएगी, ठीक है, और आकर के आपकी ज़िंदगी को ये ब्राइट करेगी. सो आई एम फ्री. आप आई थिंक बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड के नहीं हो, यू आर वेरी ब्रॉड माइंडेड, और ये पर्सन को पता है इस
बारे में, और इस वजह से उनको ऐसे लगता है कि आप शकी मिजाज के बिल्कुल भी नहीं हो, और ये बड़े खुश हैं इस चीज़ से। मे भी इनको नहीं पसंद ऐसे लोग जो शक फजूल का करते हैं। आई एम चैरिस्ट, लेकिन ये आपके साथ सारे मोमेंट्स जो आपने गुजारे हैं इनके साथ, ये इनको बहुत ज़्यादा कैप्चर करके रखें। मूवीज़ बनाना, पिक्चर्स खींचना, आपकी यादें संभाल के रखना, ये ऐसा ही है, ठीक है ना। ये फ़र्स्ट टाइम तुमने ये सूट पहना था, मुझे याद है फ़र्स्ट टाइम यू नो हम कहाँ मिले थे, आपको पहला रोज़ दिया या आपने दिया वो संभाल के रखना, आपने जो पहला गिफ्ट इनको दिया वो उन्होंने संभाल के रखना। तो जब आप यू नो बूढ़े हो जाएंगे ऑब्वियसली, और मैं जब ग्रो टुगेदर, तो इन्होंने वो यू नो बॉक्स रखा होगा जहाँ इन्होंने सब चीज़ें संभाल के रखी होंगे, वो निकाल करके यू नो जो मर्ज़ी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा करने वाला इनका हिसाब है। एनीवेज, व्हाटएवर द केसेस, इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके आने के बाद इनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैलेंस आ गया। मैं भी पहले ऐसा फील जो है वो नहीं करते थे बैलेंस, ठीक है, बट नाउ देयर लाइफ इज़ फुल ऑन बैलेंस्ड। ऑलराइट, सो लेट्स सी मोर। ओके जी, गॉसिप है, गॉसिप तो होगी जहाँ पे इतनी ज़्यादा लव स्टोरी होगी, गॉसिप तो वहाँ होगी। परसेप्शन है, हार्ट चक्रा कार्ड, लिटरली ये पर्सन बहुत दिल से सोचता है, ये दिमाग से नहीं सोचता जहाँ रिश्तों की बात है, ठीक है। रिश्तों की जहाँ बात होती है, ये पर्सन दिमाग से नहीं या दिल से सोचता है और दिल से फैसले करता है। तो बहुत बड़े दिल का मुझे यहाँ दिख रहा है। ऑल्सो फॉर देयर इज पैशन, पैशन रिप्रेजेंट्स यू, पैशन रिप्रेजेंटिंग योर एनर्जी। ओके, सो ग्रुप नंबर टू, आई जस्ट वांट टू चेक आउट फ्रॉम मिस्ट्री बाहू कि क्या है आपके पर्सन की मोर एनर्जीज। ओके, लेट्स सी, ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या है। एंड दिस इज एंटरटेनमेंट, ठीक है, तो हो सकता है किसी एंटरटेनमेंट से कनेक्शन हो इनका। देयर इज वाइट शर्ट, ठीक है, वेवी हेयर, ऑल्सो देयर इज बिजनेस टाइकून, बिजनेस मैन, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड, यूटा, टैटूज, स्लिम बॉडी, स्लिम बेल्ट, वियतनाम, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सन है ये, ठीक है, ब्रेव हैं, बोल्ड हैं, डू नॉट चेज, इनको चेज नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल भी आपने इनको चेज नहीं करना, ये खुद आपके पीछे आएंगे। ज्वेलरी लवर, सो मैंने आपको बताया इनको पसंद है ज्वेलरी आप पे, कभी भी खुद भी पहनते होंगे चेन वगैरह। डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 22nd to 31, एक्वेरियस, एयर साइन, एल्डेस्ट अमंग सिबलिंग्स, बहन भाइयों में सबसे बड़े हो सकते हैं, फेसिंग कार्मा, रिच पर्सन, मिस यू सो मच, टी पर्सन, चाय पसंद है इन्हें, आर्मी से हो सकते हैं, और डियरिंग, ठीक है, और ये है योर मैरिज प्रपोजल इज हियर, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं फॉर फ्यू फ्यू, ब्लैक हेयर, शॉर्ट हेयर, जापान। ओके, सो दीज कैन बी द थिंग्स। आई जस्ट वांट टू चेक आउट देयर नेम इनिशियल्स। So the name initials could be, alright, this is B O L
K E Z X again Z G T W and U. ठीक है, दीज कुड बी द पॉसिबल नेम एंड इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन. आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू.